दिनेश जी टेक्निकल में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम आपसे बात करते हैं सीमेंट के कुछ यौगिकों के बारे में। सीमेंट के यौगिक के बारे में चर्चा करने से पहले हम जान लें सीमेंट क्या है। सीमेंट एक ऐसा पदार्थ है जो सीमेंट कंक्रीट में मिलकर वहां पर एक बंधक पदार्थ की भूमिका अदा करता है, और इसके कुछ प्रमुख यौगिक जो कि इसके इस बंधक पदार्थ के गुण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, अगर उनके नाम की चर्चा किया जाए तो C3S अर्थात ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C2S अर्थात डाई कैल्शियम सिलिकेट, C3A अर्थात ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और C4AF अर्थात डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट फ्लोराइड। ये जो चारों यौगिक होते हैं, इनको बुक्स ने भी एक विशेष नाम से इनका नामकरण किया है। C3S का नाम है एलाइट, C2S का नाम है बेलाइट, C3A का नाम है सेलाइट और C4AF का नाम है फेलाइट। और इन तत्वों की बात किया जाए, इनके कुछ विशेष गुणधर्म हैं। अगर सबसे पहले हम बात करेंगे लास्ट के दोनों यौगिकों के अर्थात C3A और C4AF का, ये दोनों यौगिक सीमेंट में जब जलायोजन की क्रिया होती है, अर्थात जैसे ही पानी सीमेंट में मिलता है उस टाइम जो पानी सीमेंट के साथ क्रिया करता है तो उस क्रिया को ही क्या कहते हैं, जलायोजन की क्रिया। जलायोजन क्रिया के दौरान जो सबसे अधिक ऊष्मा निकलती है वो इन दोनों यौगिकों के कारण निकलती है, अर्थात C3A और C4AF, और इन्हीं यौगिकों के कारण सीमेंट का जमने की प्रक्रिया यहाँ पे संपन्न होती है, अर्थात सीमेंट में प्रारंभिक जमाव और लॉन्ग टाइम जमाव के लिए जो आपके तत्व उत्तरदायी हैं वो C3A और C4AF हैं। अब बात करते हैं C3S और C2S, ये दोनों यौगिक जो हैं सीमेंट के कठोर होने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जो प्रथम 28 दिन की सामर्थ्य होती है वो C3S की होती है। प्रारंभ में तो C2S इतना अधिक सामर्थ्य नहीं देता है, इतना अधिक प्रभाव नहीं देता है, लेकिन लॉन्ग टाइम सामर्थ्य के लिए यह C3S के बराबर अपना पूरा योगदान देने का काम करता है। अब बात करते हैं कठोर और जमने दोनों में क्या अंतर। ध्यान दीजिएगा, कठोर और जमना दोनों दो चीजें हैं। जमने से तात्पर्य हमारा ये है कि सीमेंट का बालू और कंक्रीट मोटे मिलावे के साथ मिलकर कठोर हो जाना, लेकिन सामर्थ्य का मतलब होता है कठोर होना। जमना और कठोर होना दोनों दो चीजें हैं। जमने का मतलब ओनली सेट होना है, लेकिन कठोर होने का मतलब होता है सामर्थ्य उत्पन्न होना। और कठोरता का मुख्य कारण आपका C3S और C2S है, जबकि जमने का मेन जो भूमिका अदा करता है वो C3A और C4AF है। इस प्रकार से ये चारों यौगिक किसी सीमेंट के पूर्ण बाइंडिंग में, पूर्ण बंधक बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और इस एक चीज ध्यान रखने का योग्य है, किसी भी चीज में सामर्थ्य तब तक उत्पन्न नहीं होती जब तक कि फर्माबंदी हटाई नहीं जाती है। ध्यान दीजिएगा फिर से, जब तक फर्माबंदी हटाई नहीं जाएगी तब तक किसी भी संरचना में सामर्थ्य उत्पन्न नहीं होती है चाहे भले ही, लेकिन जो आपके मेन सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले यौगिक होते हैं आपको ध्यान देना होगा, C3S प्रारंभिक सामर्थ्य और लॉन्ग टाइम के लिए C2S होती है, और जमने के लिए सबसे प्रमुख उत्तरदायी C3A और उसके बाद C4AF है। सबसे अधिक उष्मा C3A और C4AF के कारण उत्पन्न होती है। तो ये हुए हमारे सीमेंट के कुछ प्रमुख यौगिक जिनके बारे में हम आज आपसे इंट्रोड्यूस करवाए। इसके आगे की वीडियो में हम इनसे कुछ डिटेल चर्चा करेंगे, और इससे अधिक जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।